पूरे भारत वर्ष के सभी वासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आज दीपावली, हम दूसरी दीपावली आज मना रहे हैं। आज 22 जनवरी श्री राम मंदिर प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। आज ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र में भी यह कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से ज्वालामुखी मंदिर के परिसर में मनाया गया है। आज इस दिन में शुभ अवसर पर मैं ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र के वासियों को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। वो आज ये दीपक का हमने ज्वालामुखी मंदिर में दीपक किए गए थे, उसमें 10,000 के दीपक हमने यहाँ पर प्रज्वलित किए हैं। सभी ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र के और साथ में लगते गांव के सभी लोग जीवीगण यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सभी ने मिलकर के आज यहाँ दूसरी दिवाली का आयोजन किया है। आप देख सकते हैं चारों तरफ रोशनी ही रोशनी है। श्री राम मंदिर का भव्य समारोह आज हमने यहाँ पर उपस्थित किया है। इसके लिए मैं सभी अपने सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और ये सारा जो प्रबंध किया गया था, ये दीपक का जो प्रबंध किया गया था या तेल की जो व्यवस्था की गई थी, वो सभी ने मिलजुल करके ये सारे कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। मैं पुणे उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। भगवान श्री राम का अयोध्या में आगमन हुआ है, इस उपलक्ष्य में पूरे देश भर में लगभग सैकड़ों हजारों कार्यक्रम हुए हैं। उसी उपलक्ष्य में आज ज्वाला माई के मंदिर में भी दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम हुआ है। लगभग 11,000 दीपकों को यहाँ प्रज्वलित किए गए हैं। और इसमें खास बात यह है कि आप देख रहे हो छोटे छोटे बालक बालिकाएं अपने घरों से अपने अपने दीपक ले पाँच पाँच दस दस दीपक ले गए हैं। बाकी भी आरएसएस के छोटे छोटे कार्यकर्ता माताएं बहने जिन्हें लोगों के घर घर जा जाकर सबकी आहुति ली है, सबसे दीपक लिए है। और आप कार्यक्रम देख सकते हैं, इतना बड़ा एक सफल कार्यक्रम जो है आज माँ ज्वाला देवी के अंदर कार्यक्रम के अंदर हुआ है। तो इसी से राम राज्य के आने की जो कल्पना है वो हमारी पूर्ण होती हुई नजर आती है। धन्यवाद जी। राम भगवान हमारे आदर्श हैं, पुरुषोत्तम पुरुष थे, भगवान हैं। और आज मैं पूरे देशवासियों को प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर बधाई देता हूं। और मैं राम जी का आशीर्वाद पूरे हिंदुस्तान के ऊपर, पूरे देशवासियों के ऊपर चाहूंगा, ताकि हम सब जो है वो देश को आगे ले जाएं और उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है। मैं शुभकामनाएं फिर एक बार देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। तो पूरे देश प्रदेश में कोई ऐसा घर नहीं होगा जहाँ पे राम का जो है वो जाप नहीं होता, राम का पाठ नहीं होता, राम का पूजन नहीं होता। रोज हर घर में जो है वो दिया जलता है और भगवान राम का जो है वो पाठ होता है। सिटी चैनल के लिए ज्वालामुखी से पंकज शर्मा की रिपोर्ट।